नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात सीमित समय में सीमित बच्चों के सामने अपना कौशल प्रकट करना। तो प्रस्तावना कौशल की अपने बहुत सारे वीडियो कर चुके हैं, आज हम करेंगे उद्योतन कौशल। उद्योतन कौशल क्या होता है? बच्चों को उस टॉपिक के बारे में समझाना है, अपने हाव भाव प्रकट करना है, बच्चों को उस टॉपिक के बारे में समझाना है, अपने कोई भी सहायक सामग्री उसके लिए यूज में ले सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदी का कोई टॉपिक करा रहे हो, आप उनके लिए चार्ट बना सकते हो। आपने पहले साइंस फिजिक्स की एक अपलोड की थी, उसके अंदर विद्युत सेल के बारे में बताया था, आप विद्युत सेल ले जा सकते हो। आज हम उसी तरह के कुछ टॉपिक करेंगे, देखते हैं। मैंने बताया कि आप कोई भी टॉपिक करते हो, सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे वर्ड मेंटेन करेंगे। वर्ड मेंटेन के अंदर सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, 27 सितंबर 2018। विषय गणित, कौशल, उद्योतन है, अपना प्रकरण क्या है, त्रिभुज। जब भी अपने प्रकरण लिखते हैं इसको आप अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, अंडरलाइन हमेशा। कक्षा 8th क्लास का टॉपिक है, क्लास 3rd, समयावधि क्या है, समयावधि हमेशा 5 से 7 मिनट। कोई भी कौशल की समय अवधि क्या है, 5 से 7 मिनट। देखिए आप इसमें टीचिंग है या आप अपना कोई भी सहायक सामग्री का कैसे उपयोग करेंगे। डायरी के अंदर आप लिख दीजिए सहायक सामग्री का उपयोग किया, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये सहायक सामग्री है, ये आप सभी को बताइए कौन सी आकृति है, ये त्रिभुज है। आप बच्चों को बताइए कि त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाया जाए, रेखा बनती है, और रेखा एक रेखा को दूसरी रेखा से मिलाया जाए तो कोण बनते हैं। अब देखिए एक रेखा को दूसरी रेखा से मिलाया जाए तो वो क्या बनती है, इसको क्या बोलते हैं, अपने कोण बोलते हैं। आप अपनी सहायक सामग्री ले जा सकते हैं। अब देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण तीन प्रकार के होते हैं। अगर वो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करे, अब देखिए कैसे, ये देखिए ये यहां क्या कर रही है, ये लंबवत प्रतिच्छेद करे तो कोण का मान 90 डिग्री होता है, और जब कोण का मान 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है, समकोण। जब कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उस कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। अगर कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, अगर कोण का मान 90 डिग्री से कम हो यानी कि रेखा अगर इधर की ओर झुकी हुई हो, रेखा दूसरी रेखा की ओर झुकी हुई हो, उस कोण को थीटा यानी कि क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। और जब कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो यानी कि रेखा अभिलंब से दूर जा रही हो तो क्या बोलते हैं, उसको अधिक कोण बोलते हैं। ये तो होगी कोण की बात कि एक दो रेखा आपस में कट करती है कोण, और जब इसे किसी तीसरी रेखा से मिला दिया जाए क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, अपने इसके अंदर बता देंगे इनको, तीन कोण होते हैं ए बी और सी। इन तीनों कोणों का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमेशा 180 डिग्री ही होता है। अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए इनमें से एक कोण 90 डिग्री का हो गया, बाकी दो कोण मिलके 90 डिग्री होंगे यानी कि वो हमेशा न्यून कोण होंगे। एक कोण 90 डिग्री से अधिक कोण यानी कि अधिक कोण हो गया तो बाकी दो कोण क्या होंगे, वो 90 से कम होंगे यानी कि और न्यून कोण होंगे। और अगर तीनों न्यून कोण हो तो क्या होगा, अगर तीनों कोण न्यून कोण हो तो त्रिभुज को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज।
अगर एक कोण 90 डिग्री हो, मान लीजिए त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ना तो 90 डिग्री हो सकते ना अधिक कोण हो सकते। क्यों अधिक कोण क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन तीनों का मान 180 है, एक का मान 90 है, दोनों का बाकी का जोड़ 90 है, तो अधिक कोण हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जब एक कोण 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे अपने समकोण त्रिभुज, और जब एक कोण का मान 90 से ज्यादा होता है, बाकी दो का मान ऑटोमेटिकली 90 से कम हो गया, उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस कोण के जिस त्रिभुज के तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ये तो होगी कोण पे बात। अब बात करते हैं भुजाओं पे। भुजाओं पे बात करेंगे, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान समान हो, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान समान हो उस कोण को उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो दोस्तों जब तीनों भुजाओं का मान समान होगा तो इसके अंदर तीनों कोणों का मान समान होगा। तीनों कोणों का मान समान है और तीनों को जोड़ 180 है, तो एक कोण का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगा। इसी तरह बता दीजिए, अगर कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजा समान है तीसरी अलग है, दो भुजा समान है और तीसरी अलग है, ऐसे त्रिभुज को सम द्विबाहु यानी कि सम द्विबाहु यानी कि दो भुजा समान है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो उसके सामने के दोनों कोण यानी कि ये दोनों भुजाएं समान है तो ये कोण और ये कोण आपस में समान होंगे। इनका मान कितना होता है ये फिक्स नहीं है, लेकिन इनका मान हमेशा 90 डिग्री से कम ही होगा। कारण क्या है? क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया उद्धर्तन कौशल, त्रिभुज के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया हमने। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए।